दयालु होना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। एक बार एक पिता कमरे में बैठा था और एक लैपटॉप के साथ काम कर रहा था और वह अपने कार्यालय के काम में व्यस्त था और उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। उस दिन शनिवार था। उसका 7 साल का बच्चा सोहम स्कूल से खुशी से आया। उसने अपने स्कूल बैग को कुर्सी पर रखा और दौड़कर अपने पिता को एक तंग गले दिया। पिता ने कहा, ओ मेरे बच्चे, आज तुम बहुत खुश हो, क्या तुमने स्कूल में बहुत आनंद लिया है? बेटे ने बताया कि पापा, आज मुझे मेरे टीचर ने मुझे आर दिया। पिता ने बताया, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि हर दिन जब आपका टीचर होमवर्क दे रहा होता है तो आप परेशान होते हैं, इसलिए यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। आपके शिक्षक ने आपको किस तरह का होमवर्क दिया था, मुझे बताएं। सोहम ने बताया कि आज मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि कल रविवार है, इसलिए आपको 10 लोगों का चयन करना होगा और उन्हें गले लगाना होगा और उन्हें बताया कि और कोट जीवन बहुत सुंदर है और अपने जीवन का आनंद ले और कोट, इसलिए आपको 10 लोगों का पता लगाना होगा और देना होगा उन्हें यह संदेश। पिता ने सोहम से कहा कि मेरा बेटा, कल छुट्टी है और आज मुझे अपना ऑफिस का काम पूरा करना है, इसलिए कल सुबह हम एक मॉल में जाएंगे और वहां आप 10 लोगों को ढूंढ सकते हैं और आप उन्हें यह संदेश दे सकते हैं। सोहम बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सुबह सोनू जल्दी उठता है और तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, आज हमें मॉल जाना है और फिर भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं, पापा जल्दी तैयार हो जाओ। और सोनू अच्छे मूड में एक कुर्सी पर बैठ गया। सोनू के पिता तैयार हो रहे थे और घर से बाहर जाने के लिए और भारी बारिश शुरू हो गई। वे 5 मिनट तक इंतजार करते रहे लेकिन बारिश नहीं रुक रही थी। पापा ने सोनू से कहा, अब घर से बाहर निकलना संभव नहीं है, इसलिए दोनों मॉल की ओर जाने लगे। तब तक बारिश बंद हो गई थी। वे मॉल पहुंचे। पापा ने बताया कि सोनू, मैं इस बेंच पर बैठा हूं और न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, इसलिए आप अंदर जाएं और अपना गृह कार्य पूरा करें। सोहम मॉल के अंदर भाग गया और उसने लोगों को संदेश देने के लिए खोजना शुरू किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए इतना समय लिया, इसलिए पापा ने सोहम को फोन किया और हमें बताया कि तुम्हारी माँ हमें दोपहर के भोजन के लिए बुला रही है, तो अब हम जाएंगे। सोहम ने अधिक रहने का अनुरोध किया और पापा से कहा कि केवल एक व्यक्ति बचा है। पापा ने बताया कि नहीं, अभी नहीं, हम शाम को आएंगे। खराब मूड के साथ सोहम कार में बैठ गया और कार उनके घर की ओर चल पड़ी। बीच में सोनू ने एक खुली खिड़की देखी और अपने पापा से रुकने का अनुरोध किया। पिता ने सोचा, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम पूरा करो। सोहम गाड़ी से उतरकर उस घर में गया और दरवाजा खटखटाया। 10 मिनट के बाद एक बूढ़ी औरत बाहर आई और उसने एक सोहम को देखा और उससे पूछा, हाँ मेरे बच्चे, तुम क्या चाहते हो? सोहम ने उस बूढ़ी महिला को गले लगाया और बताया कि जीवन बहुत सुंदर है और अपने जीवन से प्यार करो। यह सुनकर बुढ़िया रोने लगी। सोहम के पिता इसे देख रहे थे और बाहर आकर महिला से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी महिला ने बताया, 2 घंटे से पहले मेरे पति की समय सीमा समाप्त हो गई और मैं बहुत परेशान हूं और मैं एक बड़ी रस्सी से आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब कोई भी मेरे साथ नहीं है। मेरा बेटा अमेरिका में है और वह हमारे संपर्क में नहीं है। आपके बच्चे के संदेश के बाद मैंने आत्महत्या के अपने विचारों को बदल दिया। अब मैं अपने खूबसूरत जीवन के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बूढ़ी औरत ने सोहम को गले लगाया और कहा कि धन्यवाद मेरे बच्चे, तुमने जीवन का पाठ पढ़ाया। कहानी का नैतिक है, दैनिक अपने बच्चे को एक सकारात्मक उद्धरण दें जो उसे सकारात्मक व्यक्ति बनाने में मदद करता है।